मेरा नाम रिजवान एस खत्री है और मैं निरोना से हूँ और मैं रोगन आर्ट का आर्टिस्ट हूँ जो 400 साल पुराना आर्ट है। मैंने पिछले आठ साल से शुरू किया है और मेरे पिताजी ये आर्ट कर रहे थे, मैंने उनसे सीख के ये काम शुरू किया। ये हमारा पारंपरिक जनरेशन टू जनरेशन, मतलब माय फादर माय ग्रैंडफादर, इसी तरह मतलब 11 माय सन से माय सन रिजवान से 11 पीटी हो गए। ये रोगन पर्शियन वर्ल्ड है, पर्शिया में ये रोगन का डिज़ाइन जो है ट्री ऑफ लाइफ, ये पर्शिया में सिरामिक पर होता है और ये रोगन आर्ट जो आर्ट है वो बेसिकली सिंध पाकिस्तान से है। मेरे दादाजी पाकिस्तान यहाँ से जाया करते थे ऊँट से, तो तभी से बहुत साल पहले शायद वहाँ से यहाँ ये आर्ट आया हूँ। पहले तो इसका जो कलर बनाना है वो हार्ड है, तो ये कलर में कैस्टर ऑयल जो आता है उसको बॉयल करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता है और इसका जो 2 दिन का प्रोसेस है पूरा जेली बनाने का, तो फिर जेली बन जाता है, फिर हम उसको घर पे ले आते हैं, फिर जैसे जैसे कलर बनाना है वैसे वैसे, जैसे एक कलर बनाने में आधा घंटा जैसा लग जाता है, तो जितना कलर हो उसके हिसाब से, फिर ये कलर बन जाता है, फिर इसको पानी में रख देते हैं। और इस आर्ट की मेन खासियत ये है कि कपड़े पे कोई ड्राइंग नहीं रहती है, डायरेक्ट बनाया जाता है और वन साइड पेंटिंग हो जाता है, वन साइड इसको फोल्ड करके मिरर इमेज मिलता है और फिर इसको सनलाइट में सुखा देते हैं। फिर बारीक काम जो करना है वो हम बाद में, फिलिंग वर्क जो है वो बाद में करते हैं और वो सिंगल रहता है। मैं मेरे पिताजी के पास सीख रहा था तब, जैसे वेस्ट कपड़ा होता है उस पर हम पहले ट्राई करते हैं ताकि कपड़ा ख़राब ना हो, तो इस तरह मैंने बहुत प्रैक्टिस किया बड़े बड़े कपड़ों पर और छोटा छोटा डिज़ाइन बनाता था। फिर मैंने एक बार अच्छा पीस बना लिया, ऐसा दिखने जैसा, ऐसा कुछ लगा कि ये पेंटिंग बनी है, फिर वो मेरा फर्स्ट पेंटिंग भी फॉरेनर्स लोग ले गए खरीद गए। ये जेली बन जाता है, फिर इसके अंदर जैसे वो कलर बनाते हैं, वो कलर को पीट पीट के, एक बड़ा पत्थर रहता है और छोटा पत्थर रहता है, उसको कलर का जेली थिक होता है, उसको पीट पीट के थोड़ा पानी डाल के कलर को पतला करके मिक्स किया जाता है। ये कलर तो हम बाज़ार से लेते हैं, पर ये कलर पिगमेंट पाउडर आता है और स्टोन का कलर रहता है, जैसे पत्थर का, हमारे यहाँ गांव में एक नदी बहती है उसमें भी ब्राउन कलर के पत्थर आते हैं, तो उसमें भी मैंने ट्राई किया, उस पत्थर को पीस के पाउडर बना के उसमें से मैंने ब्राउन कलर बनाया है। तो ज़्यादातर पत्थर वाला जो कलर है ना वो इस आर्ट में अच्छा लगता है और अच्छा मिक्स हो जाता है। छोटा पेंटिंग होता है हमारा रेगुलर साइज जो, वो है 2x1.5 फुट का रहता है, जैसे 24x17 इंच, तो वो पेंटिंग हमें कंप्लीट करने में 7-8 दिन लग जाते हैं, जैसे एक दिन में हमें 5-6 घंटे काम करना पड़ता है।
इसमें मैंने तो अभी डिजाइनर के साथ भी काम किया है. पहले तो ओनली ये मेरे दादाजी मेरे पिताजी जो बनाते थे वो टेबल क्लॉथ है, चनिए का मतलब स्कर्ट का मटेरियल है, वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो होती थी वही बनाते थे. मैंने अभी स्टार्ट किया है तो ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन है, सीधी सैयद का जाली का डिज़ाइन है, राउंड शेप का डिज़ाइन है. और डिज़ाइनर जो लोग आते हैं मेरे पास, 6 डिज़ाइनर के साथ भी मैंने काम किया है, उन्होंने बहुत सारे गारमेंट भी बनाए, तो उसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट डिज़ाइन भी मैंने बनाया है. ये ट्री ऑफ लाइफ का आज से 10-15 साल पहले ये फॉरेनर्स लोग आते थे तो वो लोग को हमारे डिज़ाइन थोड़े अलग दिखते थे, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया, ऐसा पेन से बताया कि आप इस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे तो शायद फॉरेनर लोग ज़्यादा उसको चॉइस करेंगे. और हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने ब्रिटेन के मिनिस्टर को जेम्स डेवन को जो गिफ्ट में दिया था वो मैंने बनाया था, वो ट्री ऑफ लाइफ. इस तरह बहुत जगह दिया है तो वो बहुत फेमस हो चुका है ये ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन. गवर्नमेंट का जो एग्जीबिशन होता है तो उसमें वो लोग रहने का खाने का TADA मुझे पर डे भी मिलता है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ. तो इस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीसीस मेरे से लिए भी है, खरीदे, जैसे गुजरात हस्तकला विकास निगम है जो गांधीनगर में, उन लोगों ने बहुत सारे पीसीस मेरे से खरीदे और आउट ऑफ भी भेजा है. इस गांव में अभी क्या है, पहले तो सफाई होनी चाहिए, जहाँ जहाँ कचरा है जो तो उधर सफाई करना चाहिए, और गार्डन एक होना चाहिए जहाँ ये फॉरेनर आते हैं तो कुछ ऐसा छाँव में बैठ के आराम कर सके, और ऐसा गार्डन होना चाहिए. और आर्ट हमारा क्या है कि गांव में बहुत सारा आर्ट है तो वो जो कस्टमर आते हैं उनको दूर दूर तक भटकना पड़ता है, जैसे रोगन आर्ट यहाँ है, कॉपर बेल का वहाँ है, लेकर वर्क इससे भी दूर है, तो कई सारे लोग होते हैं उनके पास टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि वो जल्दी में होते हैं. तो मेरे सोचना है अगर गवर्नमेंट किसी एक जगह ऐसा कुछ हार्ट जैसा बनाए कि सब आर्ट निरोना का जो आर्ट है वो एक ही जगह मिलता रहे और वहाँ गार्डन जैसा हो, जैसे भुजोड़ी में हीरा लक्ष्मी मेमोरियल पार्क है तो वहाँ गार्डन भी है, खाने पीने का भी वहाँ मिलता है और आर्टिस्ट लाइव डेमो करता है, रहने का मिलता है, तो वो सब एक जगह मतलब मिल सकता है. अभी ठंडी की मौसम में तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि पूरा 12 मंथ अगर ये टूरिस्ट आते रहे थोड़े बहुत तो ये चलता रहेगा. नहीं तो क्या है कि हमारा जो गर्मी का सीजन रहता है तभी हम एकदम फ्री हो जाते हैं, तो काम कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है, तो ये कंटिन्यू चलता रहे ऐसा कुछ होना चाहिए. अगर मेरी लाइफ में ये रोगन आर्ट नहीं होता तो कहीं मैं आज जॉब करता किसी भी आर्ट में,